और जो ही वो अपनी मां को देखता है भगत सिंह, तो उस भगत सिंह की आंखों से आंसू निकल आते हैं उसकी मां को देख करके, उसकी मां से मिलने की खुशी में। लेकिन उसकी मां यह सोच बैठती है कि मेरा बेटा भगत सिंह कहीं घबरा तो नहीं गया, जेल से डर तो नहीं गया है। तो आइए वो भगत सिंह की मां अपने बेटे से क्या कहती है एक बात के द्वारा, क्या बताया जी? कि बेटा हे रसो सो पड़ मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा, इस उम्र जवान में। कि बेटा नादान उम्र है तेरी, जवान उम्र है तेरे ऊपर, बहुत मुसीबतें आएंगी, इन मुसीबतों से कभी भी मत घबराना। क्या कहती है? तेरे भक्त सिंह कद जी घबरा जाते बंद मकान, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, तेरी बातें चला करेंगी, तेरे जिक्रे चला करेंगी, चर्चा चला करेंगी, और मैं मन ही मन उन बातों को देखकर समझूंगी कि मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा जिंदा है। क्या बताया जी? मोनो सभी बोलेंगे क्या? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला,
होकर के 200 रुपए से हमारे भाई साहब ने मान और सम्मान के बार बार धन्यवाद कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है और शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। ध्यान से सुनना जी, बिक रहा है कि नहीं? अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। अगर बुरा ना मानो तो खुले अल्फाजों में कह दूं कि कुछ गद्दारों की वजह से मेरा वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। इसलिए दोस्तों एक एक वोट कीमती है। अगर एक वोट भी करते हो तो अपना सोच समझ के करना, किसी लालच में आकर के नहीं। क्या बताया जी? माता के नाम का बोलिए भारत माता की, और सारे बोलिए तेरा भगत सिंह गजजी।